थे सुबह सुबह, बहुत ही रो रहे थे ना। जो कि 2 बज रहे हैं और मैं जस्ट आ ही रहा हूँ और सामान जो कि पैक कर रहा था लेके जाने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसा होगा, बहुत ही टेंशन है मुझे तो, बहुत ही टेंशन। अभी एडमिट किया अंदर वो लोग सब नीमा को, तो बहुत ही टेंशन में मैं, बहुत ही इमोशनल, अंदर से बहुत ही रोना आ रहा था। तो अभी आ चुके हैं कपड़ा लेने के लिए और हमारा जो बेबी हो चुका है। मैं आ चुका हूँ अंदर और देख सकते हो जो कि हमारा बेबी इधर सोया गई थी दूसरे रूम में, सो थोड़ा कुछ रिपोर्ट वोट के लिए। सो तो सब धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और अभी तक हमने, मैं तो बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश था। और इधर जो कि नीमा मेरे पास। तो दोस्तों आज जो कि हम लोग सुबह सुबह अभी निकल रहे हॉस्पिटल और अभी जो कि 7:30 बज रहा है, तो मैं सोया ही था अभी तो। नीमा बहुत बार फ़ोन की थी बट मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, तो जाके ये जगह के लेके आई। तो चलिए चलते अभी हॉस्पिटल और एक्सरे भी दर्द हो ही रहा है, तो रो रहे थे सुबह सुबह, बहुत ही रो रहे थे। चलिए चलते हैं और अभी जब जा रहे हॉस्पिटल तो देखते हैं क्या होता है फिर आज। तो दोस्तों अभी जब मैं रूम पे आया हूँ और अभी के जो कि 2 बज रहे हैं और मैं जस्ट आ ही रहा हूँ और सामान जो कि पैक कर रहा था लेके जाने के लिए, उस बैग में 6 में पिक कर रहा था, तो लेके गए नहीं थे। सो तो अभी देखते हैं, जो कि सोनोग्राफी के लिए लोग लेके गए हैं जो कि कपड़ा चेंज करके, तो अभी देखते हैं डिलीवरी का जो कि, तो कब तक डिलीवरी जो कि होता है और क्या होता है क्या नहीं, तो ऐसे आप लोग बने रहे ब्लॉग में। सो नहीं तो आप लोग को बताएंगे और दिखाएंगे। सो तो ब्लॉग में, इस ब्लॉग में नहीं तो अगले ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग बने रहे ऐसे ब्लॉग में, देखते हैं अभी कब क्या होता है और कैसे होता है। सो तो आप लोग यही दुआ कीजिए, जो भी हो नॉर्मल हो अच्छा से हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग यही दुआ कीजिएगा। तो चलिए, और ये जो कि भाभी लड़की अकेले रूम पे थी और अंदर से ताला बंद करके दरवाज़ा बंद करके थी, तो अभी मैं जस्ट आ गया हूँ। देख सको कितना तेज़ धूप हुआ है, क्या ही बात, इतना तेज़ धूप हुआ है पूरा आके पसीने से भीग गया। तो चलिए अभी पानी पीता हूँ, फटक से निकलता हूँ, कब क्या हो जाए, तो फ़ोन आए तो उतर जाना पड़ जाएगा। चलिए मिलते हैं, आप लोग सही से बन रहे आप लोग ब्लॉग में, तो बन रहे आप लोग ब्लॉग में। चलते हैं अभी पानी पीते निकलते हैं, मिलते आप लोग से। दोस्तों मैं जो कि हॉस्पिटल में आ चुका हूँ और जा रहा हूँ लिफ्ट से, तो बहुत ही जो कि मैं इमोशनल हो चुका हूँ और सोच बस यही सोच रहा हूँ दोस्तों कि क्या होगा क्या नहीं। प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिएगा और सब, जो कि बेबी हमारा अच्छे से हो जाए। और नॉर्मल डिलीवरी होगी कैसा होगा, बहुत ही टेंशन है मुझे तो, बहुत ही टेंशन। अभी एडमिट किया अंदर वो लोग सब नीमा को, तो बहुत ही टेंशन में मैं, बहुत ही इमोशनल, अंदर से बहुत ही रोना आ रहा था। दोस्तों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमारा बेबी नॉर्मल है और बस सब अच्छा हो जाए, बस यही आप लोग दुआ कीजिएगा प्लीज़। दोस्तों अभी जो कि होटल में आ चुका हूँ, नीचे देख सकते हैं आप लोग, होटल में आकर बैठा हूँ। मम्मी के लिए कुछ खाना लेने आया था, देखते हैं डोसा लेके जाते हैं, देखते हैं मम्मी खाती के लिए, भूख लगा था इसके लिए, तो आ गया। अभी देख सकते बैठे हैं, पार्सल लेके जाना है तो अभी पार्सल कर रहे हैं। तो अभी जब भी आए थे आज नहीं आया, तो जाता हूँ लेकर मम्मी को, जो भूख लगा था खाने के लिए सोचा लेकर चले, तो अभी आया नहीं डोसा, तो चले चलते हैं और मम्मी दे देते हैं। तो दोस्तों अभी डोसा ले लिए हैं और जा रहे हैं हॉस्पिटल में। फ्रेंड तो अभी आ चुके हैं कपड़ा लेने के लिए और हमारा जो बेबी हो चुका है अभी फाइनल, तो आ चुके हैं कपड़ा लेने के लिए शॉप पे, देख सकते हैं आप लोग। सो बहुत ही हैप्पी है और जस्ट अभी जो कि अभी का जो कि बज रहा है 5, और तो नीचे अभी जो कि मैं आ गया कपड़ा लेने के लिए हॉस्पिटल से, तो मम्मी फ़ोन करके बोली, तो आ गया कपड़ा लेने के लिए। देख सकते हैं आप लोग शॉप में अभी आया हूँ फिलहाल, तो चलिए कपड़ा लेते हैं और आप लोग को अगले ब्लॉग में मिलेगा हमारा वीडियो देखने के लिए, तो मिलेगा आप लोग से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए कपड़ा ले लेते हैं उसके बाद। सो फ्रेंड तो अभी मैं आ चुका हूँ अंदर और देख सकते हो जो कि हमारा बेबी इधर सोया है और मम्मी इधर है, जो कि मम्मी जो कि बोल रही थी कि बेबी को ढक दें, तो मैं बोला ठीक है ढक दो। और देख सकते हो मैं जो कि मम्मी इधर है और सो बहुत ही हैप्पी है दोस्तों, अभी क्या ही बताएं आप लोगों को, सो बहुत हैप्पी है। और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, इसके लिए फिर भी आप लोग को दिखाने के लिए मैं जो कि वीडियो बना रहा हूँ। और देख सकते हो ये हमारा बेबी, और देख सकते हो कैसा है हमारा बेबी। सो फेस रिवील करेंगे हम लोग बाद में। और मम्मी जो कि कपड़ा पहना रही थी, सो बेबी बहुत ही जो कि रो रहा था, तो अभी देख सकते हो जो कि, और बहुत ही मैं हैप्पी हूँ दोस्तों, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बोले तो बहुत ही हैप्पी हूँ। सो आई एम बहुत ही हैप्पी दोस्तों। और नीमा जो कि है नहीं अंदर,
मैं तो बहुत ही हैप्पी हो रहा था देख के। सो बहुत ही खुश हुआ। और मेरी नीमा जो कि आ गई देख सकते आप लोग। सो मैं जो कि गई थी दूसरे रूम में, सो थोड़ा कुछ रिपोर्ट वोट के लिए, तो आ गए अभी। और हमारा बेबी इधर सोया है देख सकते हो अभी। तो चलिए और बताएंगे आप लोग को कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। सो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हम तो बताएंगे ही बाद में, बट आप लोग भी बताइएगा। फेस रिवील हम लोग बाद में करेंगे। और इधर जो कि नीमा आ चुकी है। सो बहुत ही हम लोग हैप्पी थे दोस्तों, बहुत ही। और इधर हमारा बेबी सोया अभी देख सकते हो कैसे रो रहा है। सो बहुत ही जो कि रो रहा था बहुत ही। और क्या ही बताया आप लोग को। सो नीमा तो दूसरे रूम में गई थी और आई, तो देख सकते हो अभी जो कि रो रहा है हमारा बेबी। तो चलिए और फेस रिवील हम लोग बाद में करेंगे आप लोग को। सो अभी तो हम फेस रिवील बाद में करेंगे क्योंकि अभी फेस दिखा नहीं सकते हैं। सो तो सब धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे। और अभी तक हमने नाम भी नहीं सोचा, बट अब नाम भी सब कुछ हम लोग आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे अगले ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मैं तो बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश था। और इधर जो कि नीमा मेरे पास देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रूम पे आ चुके हैं, मैं और मम्मी, और नीमा हॉस्पिटल में ही है। सो तो बहुत ही जो कि खुश है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही खुश है ना मम्मी। और तू तो बोल रही है मैं दिखाओ दिखाओ क्या हुआ क्या हुआ। मम्मी को लेके आया, मम्मी का तबीयत सही नहीं है तो रूम पे लेके आ गया मम्मी को। और मेरा भी तबीयत थोड़ा सही नहीं था, बट मैं दवा दोपहर में खाया था तो थोड़ा सही है। और मम्मी का तबीयत सही नहीं है तो इसके लिए मम्मी को लेके आ गया, क्योंकि डिलीवरी तो हो चुका है। तो बोला चल लो अभी, और डिलीवरी होकर दो तीन घंटा हो चुका है तो इसके लिए। और मम्मी का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था, उधर एसी चालू था ना, तो इसके लिए मम्मी का तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। और बुखार उखार पूरा हो चुका है तो अभी जस्ट आ ही नहीं, देख सकते हो बैग वगैरह रखे। और सूज भी ऐसे पहने निकाले नहीं अभी। और जो कि नीमा का जो कपड़ा भी लेने आया हूँ, और मम्मी को पहुँचाने भी चला आया। तो चलिए अभी पहुँचा दिए, तो खाना वाना भी बनाएगी मम्मी, थोड़ा आराम भी करेगी दवा वा खा के, और फिर मैं आऊँगा रात में। नीमा को तो खाना उधर मिलेगा ही, तो नीमा को अभी तीन दिन तक एडमिट ही रखेंगे, तीन दिन तक एडमिट करके रखेंगे, क्योंकि इतना जल्दी छोड़ते नहीं, क्योंकि गांव नहीं है कि यहाँ चलो डिलीवरी हो गया तो एक दो घंटे में चाहे लेके जा सकते हो, तो इधर ऐसा नहीं है। तीन दिन तक रखेंगे और खाना पीना सब कुछ वो लोग देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि ले जाना पड़ेगा घर से। तो खाना पीना का टेंशन नहीं है कि खाना लेके जाना पड़ेगा, बस उधर मैंने रहना पड़ेगा, कुछ चाहिए या कुछ प्रॉब्लम हुआ इसके लिए। चलिए नीमा के लिए नीमा का कपड़ा ले लिए जो भी है पहनने के लिए, आने के लिए उधर से। मम्मी का तबीयत थोड़ा खराब है, खाना खा दवा खा लो, खाना खा के दवा खा के और आराम कर लो, उसके बाद खाना बनाना होगा। तो बहुत ही गर्म है दोस्तों, सर बहुत ही तेज बुखार हुआ है कहीं बताए। सो जाओ, खाना खा के सो जाओ और दवा खा के आराम करो। तो चलिए दोस्तों अभी मैं निकलता हूँ, और देख सकते कितना पसीना आ रहा है, फैन चालू कर देते हैं, मम्मी की तबीयत ऐसे ही खराब है। तो चलिए चलते हैं और हॉस्पिटल। तो दोस्तों अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ, और रात के भी बज गए 11, और सब लोग सो चुके हैं, मम्मी और सभी लोग खाना वाना खा कर सो चुके हैं। तो मैं आज खाना खाने के लिए, और निमा तो खाना खा लिए, इधर देख सकते हो बिल्ली भी, जबकि बिल्ली को आते दूध दे दिया पीने के लिए, इसलिए मैं भी खाने जा रहा हूँ देख सकते हो, खाना निकाल के अभी रखा। और जस्ट अभी फिर जाना पड़ेगा, कब क्या फ़ोन आ जाए कुछ पता नहीं, और शिफ्ट करने के लिए बोल रहे दूसरे रूम में, तो अभी कब फोन आ जाए पता नहीं, तो इसके लिए फटाफट कर दिया निकलते हैं। तो कल की मैं था हॉस्पिटल में, तो देखते हैं अभी शिफ्ट करेंगे दूसरे रूम में। तो दोस्तों जी जो कि इधर मैं बैठा हूँ आके, और अभी रात के जो कि बज रहे 11:30, और मैं आया रूम से तो बैठा हूँ, तो ऊपर अलाउड नहीं है जाने के लिए। सो तो देख सकते आप लोग कोई है नहीं, क्योंकि बहुत ही रात हो चुका है। सो तो सभी लोग चले गए हैं, और मैं इधर जो कि बैठा था अकेले नीचे। सो पूरी रात, और अभी पूरी रात तो बिताना है इधर ही। तो चलिए देखे मिलते हैं आप लोग से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले नेक्स्ट में, बाय बाय।